अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, आज का मेरा ब्लॉग जो है उसका स्टार्ट ही मैंने सुबह की अज़ान से लिया है, और मैंने ये ब्लॉग जो है सहरी के बाद से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। सो मैंने सोचा कि आपसे भी ये कुछ पुरसकून लम्हा जो है वो शेयर कर सकूं। सो उसके बाद बस नमाज का टाइम हो रहा था, सो मैंने नमाज अदा की, उसके बाद जो है मैंने तिलावत की, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो मैंने सोचा कि चले इसी टाइम जो है तिलावत कर लेते हैं, और यकीन करें तिलावत करते हुए दिल को जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून जो है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। सो कोशिश किया करें अपने नॉर्मल लाइफ में भी, अपनी डेली रूटीन में जो है थोड़ी बहुत तिलावत जो है वो ज़रूर किया करें। जी सो यहाँ पर आप देख लें, माशाल्लाह से मौसम जो है वो अचानक कैसे चेंज हो गया, क्योंकि सुबह से पिशावर में बिल्कुल भी ऐसे आसार नहीं थे बारिश वगैरह के, लेकिन 2 बजे के बाद जो है वो शदीद बर्फ़बारी और शदीद बारिश स्टार्ट हो गई थी, और मुझे जो है वो जाना था टेलर के पास भी और कपड़े लेके जाने थे। सो आधे रास्ते में ही ये हाल हो गया, और बर्फ़बारी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई। खैर मैं यहाँ से तो वापस नहीं जा सकती थी, सो यहाँ पे अभी मैं आई हूँ बाज़ार, और कुछ लेसेस वगैरह मैंने लेने थे ड्रेस के साथ, और ईद के ड्रेसेस जो है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाए हुए हैं। अगर किसी ने वो ब्लॉग नहीं देखा हुआ, मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पर बस मैं इसके साथ मैचिंग लेसेस वगैरह देख रही हूँ, और उसके बाद मैं आ गई थी टेलर की शॉप पर। सो बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो भी मेरे साथ थी, उन्होंने भी अपने कपड़ों के लिए कुछ लेसेस वगैरह लेने थे। सो इसके बाद हम आ गए थे टेलर की शॉप पे, और टेलर जो है वो भी बस जाने वाला था, क्योंकि हमें यहाँ पे आते आते बहुत लेट हो गया था, जैसे कि आपने देखा ही कि क्या हाल है मौसम का। सो इस टाइम जो है हम बस यहाँ पर आ गए थे कपड़े वगैरह देने। खैर ये जो है दिन भी बहुत कम रह गए हैं, और टेलर जो है वो कपड़े वगैरह ले भी नहीं रहे थे स्टिच करने के लिए। खैर हमने जैसे तैसे करके जो है वो उसको दे दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और आज अम्मी ने बहुत ज़बरदस्त पुलाव बनाया हुआ था, और इनकी रेसिपी जो है वो सलमा यासीन की जो रेसिपी है, जो फेमस यूट्यूबर हैं, सो उनकी रेसिपी जो है अम्मी ने बनाई है, और वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। सो जी रेसिपी तो थी बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा मज़े की, और मेरी तरफ से इसको 10 out of 10 है। अच्छा यहाँ पे मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि इसकी रेसिपी जो है वो प्रॉपरली शेयर करते हैं, क्योंकि पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत यूनिक तरीके से बनाया गया है। सो मैंने सोचा कि ये भी मैं जो है इंशाल्लाह आपसे रमज़ान में शेयर करूँगी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे हमारी रोटियाँ जो है वो बन के आ गई थी, ये भी काबली रोटियाँ हैं, सो काबली पुलाव एंड काबली रोटियाँ। और यहाँ पे मैं अपने बाबा से जो है ना वो थोड़ा बहुत काम करा रही थी, क्योंकि रमज़ान है ज़ाहिर बात है, और मेल्स को भी थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, और कोई क्या कर लेता है तो कोई क्या कर लेता है, तो काम जो है वो थोड़ा बहुत बर्डन जो है वो कम हो जाता है। सो बस यहाँ पे हमारी सारी रेसिपी, सारी चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, टेबल पे आ चुकी हैं। तो जी बस यहाँ पे इफ्तारी हो चुकी थी, और बस मैंने जो है अपनी प्लेट में इसको डिश आउट कर लिया था, और बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़बरदस्त था। इसके बाद मैंने चाय बनाई बाबा के लिए, अपने लिए और मामा के लिए। सो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, साथ ही साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। तो जी मेरा आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।